और अब बात अरविंद केजरीवाल की, सलाखों के पीछे है, जेल में है। कोर्ट ने 28 मार्च तक उनको ईडी के रिमांड में भेज दिया है। अंदर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, बाहर दिल्ली की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। लोकतंत्र की रक्षा करने की दुहाई देने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं कि कभी कोई मुख्यमंत्री जेल से कैसे राज्य को चलाएगा। चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, आप तो नसीहत देते थे देश के सभी राजनेताओं को, आपकी आत्मा क्यों सो रही है? शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कभी कहते हैं आज एक ऑर्डर आ गया, फिर कहते हैं दूसरा ऑर्डर आ गया। 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, 9 साल तक तो उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। अरविंद केजरीवाल अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई। ये सब जो ड्रामा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो विक्टिम हैं। क्या कहेंगे जो कहते थे कि मैं इसी कमरे में रहूंगा और वो शीश महल बनाएंगे, सरकारी आवास में 11 लाख का एक एक पर्दा लेंगे। दबा और दारू, ये दोनों केजरीवाल साहब को लेके डूब गए। और इस बीच केजरीवाल के हस्ताक्षर को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया कि अगर केजरीवाल अंदर हैं तो उनके आदेशों पर हस्ताक्षर किसने किए। ये बड़ा विवाद हो गया, क्या सीएम ऑफिस का मिसयूज हुआ कथित शराब घोटाले के बाद? एक और फर्जीवाड़े का आरोप बीजेपी ने लगा दिया है, हस्ताक्षर घोटाला। ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दावा कर रही है कि जेल के अंदर से ही केजरीवाल दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। तो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगा दिया कि ईडी हिरासत से केजरीवाल के जिन आदेशों की बात आम आदमी पार्टी कर रही है वो फर्जी है, बड़ा फर्जीवाड़ा किया है उन्होंने। इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिख दिया। उन्होंने कहा है कि ईडी की हिरासत से जारी किए गए जिन आदेशों की बात की जा रही है उन आदेशों में केजरीवाल के हस्ताक्षर नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ा फर्जीवाड़ा बताया, FIR दर्ज कराने की मांग तक कर डाली है। इस बीच मतलब आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता की बहुत फिक्र हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। वो जेल के अंदर से भी दिल्ली की जनता की भलाई के लिए आदेश पारित कर रहे हैं, वहीं दिल्ली की सरकार वहीं से चला रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि जेल से तो गैंग चलाई जाती है, सरकार नहीं। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब आप देखिए इस मामले में ईडी का क्या कहना है। ईडी ने साफ साफ कहा है कि उसकी हिरासत में अरविंद केजरीवाल के पास कोई लेटर नहीं पहुंचाया गया। ईडी का यह भी कहना है कि कस्टडी में अरविंद केजरीवाल ने किसी ऑर्डर पर साइन नहीं किए। अरविंद केजरीवाल को CCTV सर्विलांस में रखा गया है जहां उन तक कोई फाइल नहीं पहुंचाई जा सकती। ईडी हिरासत के दौरान अरविंद केजरीवाल के पास किसी भी तरह की सरकारी फाइलों को ले जाने पर रोक है। तो सवाल यह है कि आतिशी जी जो कागज दिखा रही थी उसमें हस्ताक्षर किसके हैं फिर? क्या ये घोटाला है, क्या ये फर्जीवाड़ा है जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है? केजरीवाल ने ऑर्डर पर साइन नहीं किए तो वो साइन किसके हैं? अगर इन ऑर्डर पर केजरीवाल के साइन नहीं है तो फिर सरकारी दस्तावेजों और सीएम ऑफिस का
या मिसयूज हुआ। बीजेपी सवाल ये भी पूछ रहे कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है, इस मामले में केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। ईडी सूत्रों का ये भी कहना है कि इस बात की जांच करा सकती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने हिरासत के अंदर से सरकारी फाइलों पर अगर दस्तखत नहीं किए तो क्या उसका मिसयूज हुआ। केजरीवाल को शराब घोटाले को लेकर ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से लेकर अब तक यानी कि पिछले 5 दिनों में केजरीवाल ने 2 आदेश ईडी की हिरासत में रहते हुए जारी किए। पहला आदेश केजरीवाल ने, ध्यान से देखिएगा, पहला आदेश 24 मार्च को ईडी की हिरासत से ही जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया। वो तो ईडी हिरासत में, वो साइन कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर कहां से आ गया। उन्होंने दिल्ली के जल मंत्री आतिशी जी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है ना, वहां टैंकरों का इस्तेमाल करें। दूसरा आदेश आज 26 मार्च को केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी की कस्टडी से अपना दूसरा, अब इसमें शब्द का इस्तेमाल हुआ, डायरेक्शन दिया, ऑर्डर नहीं, इसमें कोई रिटर्न नहीं आया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयां मुहैया कराई जाएं। अब केजरीवाल के इन्हीं दोनों आदेशों को लेकर ये पूरा बवाल हो गया है कि फर्जीवाड़ा है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये देखिएगा बहुत ध्यान से देखे, पूरी खबर है इन दो तस्वीरों में, आतिशी जी कागज दिखा रहे हैं, सौरभ जो है सौरभ भारद्वाज आज कागज नहीं दिखा रहे थे। फर्क समझिए, आतिशी जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहले कागज दिखा रही थी, विवाद हो गया ये तो साइन का किसने किए, कहां से आए साइन, साइन तो वो कर ही नहीं सकते। आज सौरभ भारद्वाज आए, उन्होंने पेपर नहीं दिखाया, उन्होंने बोला मुझे बोला गया, मुझे बताया गया, मुझे डायरेक्शन दिया गया। सवाल ये भी है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर से अपनी सरकार चला सकता है, इसको लेकर नियम क्या कहते हैं। तो देश के संविधान ने साफ तौर पर जेल के अंदर से सरकार चलाने को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नैतिकता का सवाल है। क्या कहता है दिल्ली प्रिजन एक्ट 2020, क्योंकि दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी बिल्डिंग या किसी भी जगह को जेल डिक्लेयर कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल वहां रहकर सरकार चला सकते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर क्या आरोप, क्या प्रत्यारोप, और दिन भर आज क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए और समझिए बीजेपी क्या कह रही है और सफाई में आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। केजरीवाल के गिरफ्तारी पर हंगामा, शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, आपका प्रदर्शन, सड़कें जाम, मेट्रो बंद, दबा और दारू, ये दोनों केजरीवाल साहब को लेके डूब गया। सलाखों में केजरीवाल, सड़क पर बवाल, अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई। दिल्ली में प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन, दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर है, तो आज बीजेपी ने भी उसके विरोध प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दिया। पहले आप आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। आज दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह हंगामा मचाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने निकले, जिसके बाद पीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया। आपके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार को भी सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया। पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के एक एक गेट भी बंद कर दिए गए। प्रदर्शनकारी दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव न फैला पाएं, इसको लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर बवाल काटा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। भ्रष्टाचार एक नहीं अनेक किए,
इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका सांसद जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, अब किंग पिन अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है। मेरा सवाल ये है, ये कहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करो, नहीं लोकतंत्र नहीं, भ्रष्टाचार खतरे में है, लोकतंत्र नहीं, ये एंटी सनातनी खतरे में है, लोकतंत्र नहीं, करप्शन वाले खतरे में, लोकतंत्र नहीं, कट मनी खतरे में है, लोकतंत्र नहीं, राम विरोधी खतरे में है, लोकतंत्र नहीं, हिंदू को खत्म करने वाले खतरे में है। लोकतंत्र की रक्षा करने की दुहाई देने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है कि कभी कोई मुख्यमंत्री जेल से कैसे राज्य को चलाएगा? जेल के मैनुअल में प्रोविजन है, कोई आदमी जेल में अगर बंद है तो वो 4 घंटे से ज्यादा, 1 सप्ताह में आधा आधा घंटे का 4 बार टाइम मिलेगा उसको, ये जेल मैनुअल कहता है, तो कैसे कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैसे दिल्ली की समस्याओं का समाधान करेंगे, फाइल निपटाएंगे, कैसे करेंगे? एक तरफ दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नजदीक बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी था। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया। सुबह एक बार फिर सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक नया ड्रामा दिल्ली की जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की बहुत चिंता है, इसीलिए उन्होंने कस्टडी से एक नोट बल भेजा है स्वास्थ्य मंत्रालय को लेके। 2 दिन पहले वो जल बोर्ड को लेके आतिशी को एक वो भेजा था। अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई। ये सब जो ड्रामा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ चारों तरफ जिस तरीके से पुलिस बल तैनात है, मुझे लगता है कि तानाशाही की पराकाष्ठा है। आम आदमी पार्टी के लोग, दिल्ली के लोग अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में जेल जाने के खिलाफ बहुत गुस्से में है। आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली के लोग इकट्ठा होकर के प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च करने वाले थे, पर जिस तरीके से यहाँ पुलिस बल तैनात है, जिस तरीके से यहाँ पुलिस तानाशाही रवैया अपना रही, मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक है। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अगले ही दिन कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया और अब वो 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। लेकिन जेल के अंदर जाने के बाद भी केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। उनका कहना है कि वो जेल के अंदर से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल ने 24 मार्च को ईडी की हिरासत से ही जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। आज 26 मार्च को केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी की कस्टडी से ही अपना दूसरा आदेश जारी किया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूंकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत
और समुचित समाधान होना चाहिए। एक तरफ केजरीवाल के पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्हें सिर्फ दिल्ली की जनता की चिंता है और यही वजह है कि केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहकर भी दिल्ली की जनता की भलाई के लिए वहां से आदेश जारी करते हैं, तो बीजेपी ने इन आदेशों की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठा दिए। बीजेपी का आरोप है कि आदेश फर्जी हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है, ये आरोप लगाया है कि ईडी की हिरासत से जारी किए गए जिन आदेशों की बात की जा रही है उन आदेशों में केजरीवाल के हस्ताक्षर नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ा फर्जीवाड़ा बताते हुए इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है।